आप देख रहे हैं द कॉस्मो शो। 270 साल बाद मानव जाति का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत का पालन करते हुए अंतरिक्ष में गया, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण वो सीधी रेखा में जाने के बजाय पृथ्वी के आसपास 28,565 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमने लगा। मान लीजिए रशिया ने इसे 4.3 प्रकाश वर्ष दूर हमारे पड़ोसी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ 2.5 गुना तेज यानी 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भेजा होता तो क्या अभी वो पहुंचा होता? नहीं पहुंचा होता। उस गति से जाने यात्रा करने में 65,000 साल लगेंगे। अब मान लीजिए कि रशिया ने स्पुतनिक 1 को प्रकाशवेग की 0.9998 जितनी गति से प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ भेजा होता तो आज 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी काट ली होती क्या? डॉक्टर आइनस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार उसे ये यात्रा पूरी करने में 0.027 साल यानी 10 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। इसका कारण है गति बढ़ने के साथ साथ समय स्लो हो जाता है। क्या होता अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ स्पुतनिक 1 के रास्ते में अनंत गुरुत्वाकर्षण वाले ब्लैक होल का सामना होता? कुछ नहीं होता, क्योंकि यदि आप एक ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी नामक क्षितिज को पार कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। प्रकाश यात्रा, परमाणु का विभाजन, नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का घूमना, विद्युत चुंबकीय तरंगे आदि सब वहां रुक जाता है, इसीलिए समय भी वहां रुक जाता है। सोचिए डॉक्टर आइनस्टाइन ने ब्रह्मांड के बारे में मानव जाति का ज्ञान कितना बढ़ा दिया था। फिर सन 1930 में अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक एडविन हबल ने कहा कि ब्रह्मांड हर दिशा में फैल रहा है। प्रत्येक आकाशगंगा केंद्र का त्याग करके एक दूसरे से दूर भाग रही है। ब्रह्मांड के विस्तरण के बारे में आइनस्टाइन ने सपने में भी नहीं सोचा था। एडविन हबल के अनुसार अपाकर्षण सभी आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर रखता था ताकि ब्रह्मांड का उसके भार के कारण पतन ना हो। इस तर्क की व्याख्या देते हुए हबल ने कुछ गाणितिक सूत्र भी तैयार किए। जब सन 1931 में एडविन हबल ने ब्रह्मांड के विस्तरण का प्रमाण दिया तो डॉक्टर आइनस्टाइन ने माफी के साथ मेरी सबसे बड़ी भूल कहकर अपने सूत्र वापस खींच लिए। यदि ब्रह्मांड का विस्तरण हो रहा है तो भूतकाल में वो संकुचित अवस्था में होना चाहिए, ये अपनी मूल अवस्था को छोड़कर फैला क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न। सन 1948 में जॉर्ज गामोव और राल्फ एल्फर दोनों वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी में कहा कि यदि ब्रह्मांड के विस्तरण को रिवर्स गियर में डालकर उल्टा कर दिया जाए तो धीरे धीरे वो सिकुड़ जाएगा और एक ब्रह्मांडीय अंडा बन जाएगा। काल के आरंभ में इसके बिग बैंग ने ब्रह्मांड का सृजन किया। बैंग शब्द गलत है क्योंकि शून्य अवकाश में विस्फोट की ध्वनि का प्रसरण नहीं होता। ब्रह्मांड बिग बैंग जैसे महाविस्फोट से जन्मा है, इस बात का प्रमाण सन 1964 में आर्नो पांजियास और रॉबर्ट विल्सन नामक दो अमेरिकी खगोल वैज्ञानिकों ने दिया। लेकिन अभी भी कई रहस्य प्रश्न बनकर खड़े थे। यदि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ है तो फिर अंत कैसे होगा? ब्रह्मांड का अंत कहाँ है? आगे क्या होगा? ऐसे रहस्यों को जानने के लिए देखते रहिए द कॉस्मो शो।